तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हनावई और हथौड़ी के एपिसोड नंबर 4 में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है 40 कमेंट और 1K लाइक का। यदि आप ये करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये एनिमे बहुत ही अच्छा लगता है और इसका अगला एपिसोड मैं आपके लिए और भी जल्दी लेकर आऊँगा। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं होतारू को। होतारू अपने दोस्त के साथ यहाँ पर खड़ी होती है और अपने दूसरे दोस्त का वेट कर रही होती है। उसकी दोस्त जो है, जो यहाँ पर खड़ी है, वो बहुत ही ज्यादा उसे शर्म आ रहा होता है क्योंकि होतारू जो है यहाँ अपने दोस्त को बॉयफ्रेंड के साथ मिलवाने के लिए लेकर आई है। वो उसे कहती है चिंता करने वाली कोई बात नहीं। तभी हम देखते हैं उसकी दूसरी दोस्त भी यहाँ पर आ जाती है जो हैप्पी न्यू ईयर कहती है क्योंकि ये न्यू ईयर का टाइम होता है इसीलिए। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि होतारू जो है हनावई के पास जाती है। हनावई यहीं लाइब्रेरी के अंदर खड़ा होता है। वो कहता है कि क्रिसमस के बाद मैंने तुम्हें देखा ही नहीं, यानी लगभग 5 या 6 दिन इसने देखा नहीं इसे। हम देखते हैं कि जो यहाँ पर होतारू होती है हनावई को देखकर सोच रही होती है कि वो बहुत ही ज्यादा अलग दिख रहा है। यहाँ पर वो कहती है कि चलो मैं तुम्हें अपने फ्रेंड से मिलवा देती हूँ। उसकी फ्रेंड यहाँ पर अपना नाम असामी बताती है और साथ में वो ये भी कहती है जो हथौड़ी होती है कि ये मेरे बचपन की स्कूल की दोस्त है और हम अभी भी साथ में ही पढ़ते हैं। असामी यहाँ पर कहती है कि मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है तुमसे मिलकर। यहाँ पर मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही होंगी इसीलिए उसे ऐसा लगता है। फिर हम देखते हैं उसका बॉयफ्रेंड भी यहाँ पर आ जाता है और हनावई को गुड मॉर्निंग कहता है। अब हम देखते हैं कि सभी लोग यहाँ पर बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर हनावई और हथौड़ी दोनों साथ में चल रहे होते हैं। हनावई सोचता है कि यहाँ पर वो हथौड़ी का हाथ पकड़ ले, बट हथौड़ी जो होती है यहाँ पर उसे हाथ देती नहीं है। हनावई का तो मन करता है इसीलिए वो हाथ को आगे करता है, बट हम देखते हैं कि वो अपने दोस्त का हाथ पकड़ लेती है, हनावई का हाथ नहीं पकड़ती। अगले सीन में हम देखते हैं वो तारू को जो यहाँ पर प्रेयर कर रही होती है। वो अपने दोस्तों के लिए प्रेयर कर रही होती है। वो कहती है कि वो हमेशा प्यार से रहें और उनकी ज़िंदगी हमेशा अच्छी हो जाए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सोच रहा होता है हनावई कि मेरे लिए तो सब कुछ अच्छा है, मेरे दोस्तों के लिए भी अच्छा हो। जब सभी लोग यहाँ पर अपना अपना प्रेयर ख़त्म कर लेते हैं तो सभी लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग जो है अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पर दोनों लड़के अलग हो जाते हैं और लड़कियाँ भी अलग हो जाती हैं। वो कहती हैं कि हम लोग जो है बाद में सब एक साथ ही मिलेंगे। फिर हम देखते हैं यहाँ पर असामी का जो बॉयफ्रेंड होता है वो यहाँ हनावई को कहता है कि चलो तुम मेरे साथ चल सकते हो। हनावई को पता होता है कि ये वही लड़का है जिसने होतारू को किस करने वाला आइडिया दिया होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड कहता है हनावई को कि तुम मेरे फ्रेंड बन सकते हो क्या, बट हम देखते हैं कि हनावई उसे बहुत ही घूर कर देख रहा होता है और वो कहता है कि तुम ही हो जिसने यहाँ पर होतारू को किस करने का आइडिया दिया था। तभी उसकी गर्लफ्रेंड भी आ जाती है और कहती है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर हम देखते हैं उसके बाद वो लोग चले जाते हैं। यहाँ पर जो हमारी हनावई होतारू को अलग हुए बस थोड़ा ही समय हुआ था, बट उसे यहाँ पर हनावई की चिंता होने लग जाती है। वो अपने दोस्तों को कहती है कि तुम लोग आगे चलो, मैं जो हूँ हनावई के साथ आती हूँ। उसकी दोस्त उसे समझाती है कि तुम्हें उसको अकेला भी छोड़ना चाहिए, बट वो नहीं मानती है। वो कहती है मुझे उसकी चिंता हो रही है। उसकी दोस्त समझती है कि लगता है इसे जो है जाना ही है, तो वो कहती है कि ठीक है तुम जा सकती हो। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो असामी का बॉयफ्रेंड होता है वो यहीं पर आ जाता है। होतारू कहती है अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो बताता है कि हनावई मुझसे अलग हो गया था। हम देखते हैं हनावई को जो यहाँ पर ओल्ड लेडी की हेल्प कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर होतारू भी आ जाती है और वो कहती है अरे तुम क्या कर रहे हो, तो वो कहता है मैं बस थोड़ी सी हेल्प कर रहा था। होतारू कहती है चलो अब चलते हैं यहाँ से, लोग हमारा वेट कर रहे होंगे। फिर हम देखते हैं हनावई उसे पेड़ के पास ले आता है और कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ और मुझे तुम्हारे साथ अकेला टाइम चाहिए, इसीलिए क्या हम यहाँ पर रुक सकते हैं। होतारू कहती है कि हाँ हम यहाँ पर बिल्कुल रुक सकते हैं। होतारू यहाँ बताती है
कि जो मेरी बहन है वो भी मुझे ऐसा ही कह रही थी कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से ज़्यादा बात करती हूँ और वो उसे टाइम नहीं देती हूँ। बट ऐसा नहीं है कि मैं अपनी छोटी बहन से प्यार नहीं करती, ऐसा सेम तुम्हारे लिए भी है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बेशक मैं तुम्हें टाइम ना दूँ। यहाँ पर हनाओयाई कहता है कि जब भी मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश रहता हूँ। यहाँ पर हथौड़ी कहती है कि हाँ, मेरे फ्रेंड भी बहुत ही ज़्यादा आज खुश हैं। बट वो मन में सोच रही होती है कि हनाओयाई पता नहीं क्या फील कर रहा होगा, बट मुझे थोड़ी बहुत यहाँ पर शर्म आ रही है। लगता है मैंने बहुत दिनों से यहाँ पर उसे देखा नहीं हनाओयाई को, इसीलिए शायद मुझे ये वाली फीलिंग आ रही है। फिर हम देखते हैं कि हनाओयाई यहाँ पर होतारू से कहता है कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुझे रिचार्ज कर लेना चाहिए। जब भी एक लड़के और एक लड़की को ट्रू लव होता है तो वो जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो उनका मूड फ्रेश हो जाता है, चाहे वो कितना भी ज़्यादा उन्होंने काम किया हो या किसी भी तरह का स्ट्रेस हो। ऐसा सिर्फ ट्रू लव में होता है, और यही बात यहाँ हनाओयाई कहता है होतारू को। बट यहाँ होतारू को लगता है कि वो फ़ोन की बैटरी की बात कर रहा है, बट वो इसकी बात नहीं कर रहा होता है। पेड़ के सहारे वो उसे हग करने लग जाता है। बट यहाँ पर होतारू को समझ में नहीं आता कि वो इसके इतना क्लोज क्यों आ रहा है। यहाँ पर उसे जो है बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील कर रही होती है, बट वो यहाँ पर समझ जाती है कि रिचार्ज का मतलब क्या होता है। फिर वो अपने दोस्तों के पास वापस आ जाते हैं और इसी तरह से इनका टाइम यहीं पर स्पेंड हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हनाओयाई है वो बहुत ही अच्छे से स्माइल कर रहा होता है। उसकी स्माइल देखकर यहाँ पर होतारू को बहुत ही अच्छा लगता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारी होतारू है उसे एक जॉब करनी थी, इसलिए वो यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब कर रही है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा हनाओयाई है वो बुक पढ़ता हुआ इसी के अंदर आ जाता है। उसे नहीं पता होता है कि यहाँ पर काम करती है होतारू। होतारू उसे देखकर एकदम से नर्वस हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि हनाओयाई यहाँ पर क्या कर रहा है। यहाँ पर हनाओयाई कहता है सिर्फ मैं तुम्हें देखने के लिए ही आया हूँ, और साथ में ये बुक तो बहाना है। यहाँ पर ये बात वो भी समझ जाती है। यहाँ पर वो बुक ले लेता है और पैसे यहाँ पे कर देता है। हनाओयाई पूछता है होतारू तुम्हें कितना टाइम लगेगा यहाँ पर काम करने में, तो यहाँ पर वो कहती है अभी थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना मुझे, तो वो कहता है ठीक है तो मैं तुम्हारा वेट कर लेता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि उसकी दोस्त आती है, होतारू से कहती है ये तुम्हारा फ्रेंड तो बहुत ही सुंदर है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों बाहर जा रहे होते हैं और यहाँ पर वो सोच रहा होता है। यहाँ पर हनाओयाई कहता है होतारू से कि तुम तो रेस्टोरेंट में काम करने वाली थी तो तुमने इसे क्यों डिसाइड किया। यहाँ पर वो कन्फ्यूज हो जाती है और वो बताती नहीं है। वो मन ही मन यहाँ पर हनाओयाई स्माइल करता है क्योंकि उसे पता होता है कि वो यहाँ पर क्यों काम कर रही है। फिर हम अगली शाम को भी देखते हैं जहाँ पर हनाओयाई जो होता है वेट कर रहा होता है होतारू का। होतारू यहाँ पर आती है और कहती है क्या तुम मेरा वेट कर रहे हो, तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा हूँ। आज जो है बहुत ही ज़्यादा रात हो चुकी है तो तुम्हारे लिए कुछ डेंजर हो सकता है, तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हें घर तक वक्त दे दूँगा, यानी कि चलकर जाऊंगा तुम्हारे साथ। तो यहाँ पर वो कहती है कि ठीक है तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। मन ही मन वो बहुत ही अजीब अजीब चीज़ें सोच रही होती है हनाओयाई के बारे में। वो सोच रही होती है कि क्या मैं उसे अभी तक समझ पाई हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो घर पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर हनाओयाई जो होता है उसकी मम को बताता है कि रात बहुत हो चुकी थी इसीलिए मैं इसके साथ आ गया। यही बात होतारू भी कहती है। फिर हम देखते हैं उसकी मम डिनर के लिए उसे अंदर ले आती है। जब तक डिनर बनता तब तक यहाँ पर होतारू जो होती है उसे अपने रूम के अंदर ले आती है और साथ में उसके लिए पीने के लिए भी लाती है। यहाँ पर वो देखती है उसे कि वो जो है उसे टच करना चाहता है, बट उसने जो है प्रॉमिस किया था कि वो बिना पूछे टच नहीं करेगा, इसलिए वो बोलता नहीं है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर हनाओयाई जो होता है अपना फेस उस साइड करके होता है, और फिर हम देखते हैं कि वो अपनी डायरी उसे देता है और उसमें लिखा होता है कि वो उसकी एल्बम को देखना चाहता है। और फिर वो उसके एल्बम अपने पास लेकर आती है और यहाँ हनाओयाई उसे देखने लग जाता है। वो कहती है तुम बचपन में बहुत ही ज़्यादा क्यूट थी। फिर यहाँ पर जो होतारू होती है वो कहती है ठीक है अगली बार मैं जो हूँ तुम्हारे एल्बम को देखना चाहती हूँ तो तुम जो हो ध्यान रखना। वो कहता है ठीक है तो तुम जो हो मेरे एल्बम को देख सकती हो, बट मेरे ज़्यादा फ़ोटो उसके अंदर है नहीं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो होतारू होती है वो सोच रही होती है कि मुझे जो है अब इससे क्या बात करनी चाहिए। उससे पहले ही यहाँ पर जो हनाओयाई है वो कहता है कि मैं जो हूँ बहुत ही जल्दी बड़ा हो गया था इसीलिए ज़्यादा मेरी फ़ोटोज़ यहाँ पर है नहीं।
और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो सोचने लग जाती है कि मैं तो अपने बारे में बहुत ही ज़्यादा बात करती हूँ, ज़्यादा कुछ बताती भी नहीं हूँ, बस मैं सोचती ही रहती हूँ, बट मुझे हनावाई को बता देना चाहिए कि मैं जो हूँ क्या सोचती हूँ। फिर यहाँ पर वो कहती है कि मैं एक्चुअल में बुक स्टोर में इसलिए काम कर रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें जानना चाहती हूँ, तुम हर वक्त बुक्स को ही पढ़ते रहते हो, इसलिए मैंने सोचा मैं वहीं पर काम कर लेती हूँ ताकि मैं बुक्स को थोड़ा और अच्छे से समझ पाऊँ, जिससे कि मैं तुम्हें भी समझ पाऊँगी। पहले मुझे लोगों की फीलिंग्स समझ में नहीं आती थी, बट मैं जब से बुक्स वाली स्टोर पर काम करने लगी हूँ और तुम्हारे साथ रहने लगी हूँ, तब से मुझे लोगों की फीलिंग्स थोड़ी थोड़ी मुझे समझ में आने लग जाती है। यहाँ हनावाई कहता है कि तुम बहुत ही स्कैरी बातें कर रही हो, अब मुझे तुम डराओ मत। ऐसा वो इसलिए कहता है ताकि थोड़ा सीरियसनेस कम हो जाए, वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस होती है और ये बातें करते वक्त, इसलिए वो जो है सोचने लग जाती है कि अब मैंने क्या कह दिया कि वो मुझे इस तरह से बोल रहा है, उसे मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, उसे समझना अभी मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, बट मैं ट्राई करती रहूँगी, मैं इसे पूरी तरह से समझ जाऊँगी। वो यहाँ पर हनावाई के बारे में बात कर रही होती है। यहाँ पर होतारू का एकदम से मन करता है कि वो उसका सर को टच करे, तो इसलिए हनावाई के सर को वो टच कर लेती है, उसे बहुत ही अच्छा फील होता है, बट यहाँ पर एकदम से हाथ हटाती है और वो उसे माफ़ी मांगती है। फिर हम देखते हैं कि वो खाना खाने के लिए नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर हनावाई सोचती है कि मुझे टच नहीं करना चाहिए था, क्या पता उसे बुरा लग जाए, क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि बिना पूछे वो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, बट हनावाई को यहाँ पर होतारू ने टच कर दिया। शाम को जाते वक्त यहाँ पर वो स्माइल करता है और कहता है फिर मिलते हैं अगली बार, और हम देखते हैं कि वो यहाँ से चला जाता है। तुम्हें क्या लगता है, हनावाई को बुरा लगा होगा या फिर नहीं? अगर आप एपिसोड देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मुझे समझ में आ चुका है कि आपको ये एनिमेशन बहुत ही अच्छा लगा है। इस तरह के एनिमे को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।